हेलो गाइस, ये देखिए यहाँ पे आज हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ब्रेड पकोड़ा और गुलगुले बनाने की। ये देखिए गाइस, यहाँ पे पानी गर्म कर लिया था, उसके अंदर गुड़ को मिक्स कर लिया और आटा। पहले भी पानी गर्म किया, उसके अंदर गुड़ फोड़ के डाला, उसको पिघाल लिया था गुड़ को। अब इसमें आटा डाल दिया, ये बन जाएंगे यहाँ पे मीठे गुलगुले उतारेंगे। ये कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इधर देखिए, ये ब्रेड पकोड़े की तैयारी कर दी है, ब्रेड कट कर दिए थे यहाँ पे, और ये उसकी पिट्ठी, आलू की पिट्ठी तैयार कर दी है ब्रेड पकौड़ों के लिए। भाई हमने चौकी नहीं है, कोई चौके बनाता, कोई बिगड़ चौके बनाता है, और आगे देखते रहिए कैसे बनाएंगे कैसे नहीं। अभी आलू की पिट्ठी तैयार की है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे गुलगुले उतार रहे थे, इस तरिया चम्मच के साथ इसमें छोड़ दिए थे कढ़ाई में। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ब्रेड पकोड़े के लिए आलू की पिट्टी के अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है, और ये हल्दी पाउडर, और यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार, जिसको जैसा टेस्ट हो। उसके बाद यहाँ इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। अगर हम चम्मच से मिक्स करते हैं तो भाई नमक मसाला पूरे में नहीं मिल पाता, हाथ से मिक्स करने में ठीक रहता है। आप भी बनाकर देखना कभी ब्रेड पकोड़े इस तरीके से, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और कमेंट में बताना हमारे ब्रेड पकोड़े बनाने का तरीका कैसा लगा। तो गाइज यहाँ पे छोटी छोटी, उसके बाद गाइज हमने यहाँ पे देखी ब्रेड के ऊपर जो सोट रखी थी, एक तो सॉस होती है, एक सोट होती है जो खट्टी मीठी थोड़ी सी चरचरी भी होती है हल्की हल्की, उसको ब्रेड के ऊपर लगा लिया था पहले। फिर उसके बाद उसमें ये पिट्ठी लगा ली थी, एक ब्रेड पे सोट लगा ली थी, एक ब्रेड पे ये पिट्ठी को ऐसे इस तरह। उसके बाद दोनों को आपस में ऐसे चिपका देंगे, जो ब्रेड है ना, एक एक पे पिट्ठी लगा रखी है, एक बिगर पिट्ठी का, उनको ऐसे आपस में चिपका देंगे। इस तरह हम सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने ले लिया था हरे धनिए के, धनिए की पत्तियाँ और हरी मिर्च, इनको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इनको मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद ये देखिए आप, हम आगे क्या करते हैं अब, तो अब देखते रहिए कैसे क्या किया जाएगा। ये देखिए गाइस, इस तरह हमने मिक्सी में पेस्ट बना लिया। हेलो गाइस, ये देखिए हमने ब्रेड पकोड़े के लिए जो घोल तैयार करना था, उसमें सबसे पहले हमने लिया बेसन, उसके अंदर डाल लिया था नमक, ये देखिए। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताना आप कैसे बनाते हैं ब्रेड पकोड़े। हम तो इस तरह बनाते हैं, बड़े टेस्टी लगे थे, ठंड का मौसम था। थोड़ी सी डाल ली थी हल्दी, हल्दी डालना बहुत ठीक रहता भाई, सेहते नहीं है ब्रेड पकोड़े किसी को भी, जैसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको ऑयली चीज़ सेहती है ना, तो हल्दी डाल दी तो ठीक रहती है। थोड़ा सा डाला था इसके अंदर धनिया पाउडर, और देखते जाइए अब क्या क्या डालेंगे, कैसे हमने ब्रेड पकोड़े तैयार किए थे बना के। सर्दी बहुत थी, चाय के साथ खा के मज़ा आ गया था, इतने टेस्टी बने, इतने टेस्टी बने किसी सभी को दो दो मिले थे। और थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया था काला नमक, काला नमक से इसका टेस्ट अलग से ही आता है, एक चुटकी काला नमक डाल देना तो बहुत अच्छे लगते हैं जी, बताइए आप भी। उसके बाद यहाँ डाल दिया था मिर्च का और जो हरे धनिया की पत्तियों का पेस्ट था वो। अब ये पेस्ट तैयार हो गया था, इसमें हम डुबो के ऐसे कढ़ाई में फ्राई करेंगे ब्रेड पकौड़े को। आप देखते जाइए और कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़ कि आप कैसे बनाते हैं और मैंने कैसे उतारे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, सभी से रिक्वेस्ट है। इस तरह हमने सारे ब्रेड, आप भी बताना आप कैसे उतारते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। तो गाइस ये देखिए, ऐसे ब्रेड पकोड़े को हमने फ्राई कर लिया था कढ़ाई में, उसके बाद ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं, इस तरह का कलर कर दिया था। अगर कोई और ज़्यादा डार्क करारे करना चाहता हो तो कर सकता है, हमें तो वैसे ही अच्छे लगते हैं।